और प्रदेश में भारी बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। देहरादून समेत 6 जिलों में बारिश का अलर्ट है। मलबाने से प्रदेश में 93 सड़कें बंद हैं। बागेश्वर के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी है। देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल के लिए चेतावनी। चंपावत, उधम सिंह नगर में बारिश का अलर्ट है। संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वालों को सतर्क रहने की सलाह। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, प्रदेश में भारी बारिश ने मुसीबत को बढ़ा दिया। तस्वीर आपके सामने, किस तरीके से अलग अलग जगहों पर बारिश का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। अगर बात उत्तराखंड की करें, देवभूमि की करें, तो लैंडस्लाइड एक बड़ी परेशानी यहां पर लोगों के लिए बनी हुई है। बागेश्वर के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। तो उत्तराखंड में आफत का अलर्ट है। मूसलाधार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। चंपावत में मूसलाधार बारिश से नाले उफान पर हैं। मंजर बेहद डरा देने वाला है। उफनता सैलाब किसी आफत से कम नहीं है और यहां एक जीप नाले में बह गई है। रामनगर में भी नाले का रौद्र रूप देखने को मिला। वहीं प्रदेश में आपदा से खासा नुकसान पहुंचा है। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग 29 स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुआ है। प्रदेश की कई सड़कें भी बंद है। चार तस्वीरें आपके सामने, और चार तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से आफत की बारिश है। यहां पर देहरादून की तस्वीर आपके सामने देखिए। यहां पर मौसम जरूर सुहाना हो गया, तपती गर्मी से लोगों को राहत मिली, लेकिन साथ ही साथ ये परेशानी का सबब भी यहां पर बन चुका है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं चंपावत की, जहां पर लगातार नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। जो जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है। और तीसरी तस्वीर आप देखिए, ये तीसरी तस्वीर है रामनगर की। यहां पर मानो सब कुछ डूब गया हो। तो उत्तराखंड में आफत की बात